सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम फाइनली जा रहे हैं घर की, और वो भी ट्रेन से। और ट्रेन कौन सी यार, पुणे भुसावल एक्सप्रेस, जो कि बहुत दिनों के बाद फिर से स्टार्ट हुए। और मेरे साथ है चंदन, हेलो फ्रेंड्स, जो कि मेरा रूम पार्टनर है। तो हमने सोचा कि चलो यार इस ट्रेन से जाते, क्योंकि ये ट्रेन बहुत दिनों के बाद चालू हुई है और इसका जो फेयर है वो भी बहुत ज़्यादा कम है, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो इससे जाते। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। तो है गाइस, हम फाइनली पहुंच चुके हैं पुणे स्टेशन पर, और अभी जो ट्रेन है वो खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर। प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर? हाँ ग्रिड, इस टिकट में कुछ गड़बड़ है। यहाँ लिखा है प्लेटफॉर्म नंबर 10, ऐसी कोई जगह नहीं है, है ना? तो जो गाड़ी है वो खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर, अभी हम उस तरफ जा रहे हैं, और हमारा कोच है शायद D5, तो चलिए चलते उस तरफ। तो है गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर ट्रेन। आप यहाँ पर देख सकते हैं पुणे भुसावल एक्सप्रेस खड़ी है। तो अभी हम कोच फाइंड करते हैं और ये लगेज भी रख देते हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर इसका लोकोमोटिव दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली कौन सा लोकोमोटिव लगा इस ट्रेन को। हमारा जो कोच है वो है D5, तो उसको ढूंढते हैं। यहाँ पर हम आ चुके हैं पुणे भुसावल एक्सप्रेस को देखने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है। तो यार मैं आपको दिखाता हूँ कि इस ट्रेन को कौन सा लोकोमोटिव लगा है। मेरे ख्याल से WCM3 होगा, बट देखते हैं एग्जैक्टली कौन सा लोकोमोटिव है। और जो ट्रेन है वो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लगभग 3-4 दिन हुए आज और ये ट्रेन चालू है, तो देखते हैं कैसा सफ़र होने वाला है। और यार मैं ट्रेन की बात करूँ तो यार ये ट्रेन मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया इस ट्रेन ने, क्योंकि लगभग 2 साल से ये ट्रेन बंद थी, और उसकी वजह से अगर नासिक जाना है तो नासिक जाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। बट अब यार फाइनली ये ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है। फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि जैसे WCM का लोकोमोटिव लगा है तो वही लोकोमोटिव है, और जो जनरेटर कार है उसका आवाज़ बहुत ज़्यादा है, और यार बारिश भी बहुत हो रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं WCM3 का लोकोमोटिव है, और जो मतलब नंबर है वो है 21961, और ये किस शेड का है वो देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लोकोमोटिव है WCM3 वो कल्याण शेड का है। यहाँ पर लोकोमोटिव देख सकते हैं कितना अच्छा लुक है इसका। तो यार आप यहाँ पर देख सकते हैं WCM3 जो लोकोमोटिव है कितना अच्छा है, और मुझे लगा ही था कि WCM3 ये लोकोमोटिव होगा इसका, क्योंकि ये कल्याण शेड का है, और जो कि आपको पता है कि ये DC और AC दोनों वोल्टेज पर चलता है। पर मुझे ऐसा लगता था यार कि इसको अगर WP7 होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि सारा जो कोच है वो LHB5 है। और यार सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि ये ट्रेन चालू हुई है, तो 2 साल के बाद इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस ट्रेन के साथ जर्नी करने में। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हुआ है 11:39, और अभी 1 मिनट में ट्रेन निकलने वाली है। तो आपको डिपार्चर दिखा तो पुणे स्टेशन से इस ट्रेन का, और उसके बाद फिर हम शिवाजी नगर को स्किप करेंगे, और उसके बाद फिर अंदर बैठ जाएंगे। Thank you.
कंट्री में बनने से प्लेटफॉर्म की मांग तीन के बजे में प्लेटफॉर्म की मांग दो पर आ रही है। कंटिन्यूसली 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही है। तो गाइस फिलहाल हम आ चुके हैं लोनावड़ा में, यहाँ पर जो बैंकर्स लगने वाले हैं इस ट्रेन को, और यहाँ से आगे जो लोनावड़ा खंडाड़ा घाट है वो स्टार्ट होने वाला है। तो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं कल्याण जंक्शन, और यहाँ से जो गाड़ी है वो जाने वाली कसारा घाट में। आगे जो स्टेशन है वो है कसारा, उसके बाद फिर आएगा इगतपुरी। तो उसके बीच का जो घाट सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, मतलब जैसे कि हमने देखा खंडाला घाट उसी तरह का वो घाट सेक्शन है, तो उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो गाइज अभी हम है कसारा जंक्शन पर, जहाँ पर एक्स्ट्रा बैंकर्स लगाए जाते हैं रेलवे को, क्योंकि आगे जो घाट है उसमें काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई होती है, तो इसकी वजह से पीछे से सपोर्ट के लिए यहाँ पर लगाए जाते हैं बैंकर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे बैंकर्स आ चुके हैं, और अभी बजे लगभग 4:30 और अभी गाड़ी निकलने वाली थोड़ी देर में।